दुनिया में 7 वंडर्स हैं और उनमें से एक ताजमहल भी है। और ये जो ताजमहल है, क्या ये वही ताजमहल है जो शाहजहां ने बनाया था, या फिर ये तेजो महालया है जो कि एक हिंदू मंदिर हुआ करता था? मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं जिनको जानने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये तेजो महालया था या फिर ये ताजमहल है जो कि शाहजहां ने बनाया था। सो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक्स, बचपन से हमें ये पढ़ाया गया कि ये जो ताजमहल है उसको बनाया गया था शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज के लिए। मुमताज ने शाहजहां को कहा कि तुम एक ऐसी इमारत बनाओ जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, और वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत होनी चाहिए। और फिर जब मुमताज की डेथ हो गई तब शाहजहां ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हो जो कि वो इंसान देख ही नहीं पाएगा जिसके लिए आप वो बना रहे हो, तो फिर उसको बनाने का क्या फ़ायदा? खैर छोड़िए, अगर पूरी दुनिया में भी सर्च किया जाए तो एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिलेगा जिसमें ये वर्णन किया गया हो कि ताजमहल को शाहजहां ने किस तरीके से बनाया। ना ही शाहजहां को ऐसा डॉक्यूमेंट छोड़ कर गया जिसमें कि ये बताया गया हो कि ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हुआ, कौन सा मार्बल कहाँ से कितने रेट पर लाया गया, कब लाया गया, इन सब चीज़ों का तो कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। सब कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। अगर ताजमहल को सच में शाहजहां ने बनाया था तो उस पर जो खर्च किए गए पैसे थे उसका ब्यौरा कहाँ है, ये चीज़ मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। मुझे पता है कि आपके मन में क्या सवाल आ रहे होंगे, इन सब का तेजो महालय से क्या लेना देना है। तेजो महालय से इन सब का लेना देना है तभी तो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। जिस तरीके से मैथ्स के सॉल्यूशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके मौजूद हैं, उसी तरीके से हिस्टोरिकल बिल्डिंग और हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रूव करने के अलग अलग तरीके मौजूद हैं। फेमस फ्रेंच डायमंड मर्चेंट टावर्नियर जब इंडिया आए थे तो उन्होंने अपने बुक में कहा था कि जो ताजमहल है उसकी जो स्कैफोल्डिंग्स है, जिसको कि हिंदी में हम लोग मचान भी कहते हैं, उसको बनाने में जो खर्च हुआ था वो टोटल ताजमहल के बनाने के खर्च से ही ज़्यादा है। बट ये कैसे हो सकता है? ताजमहल के एक छोटे से हिस्से का खर्च पूरे ताजमहल को बनाने के खर्च से ज़्यादा कैसे हो सकता है? ये तो तभी हो सकता है जब ताजमहल पहले से बना हुआ हो और बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया हो, और वो भी भारी मात्रा में, जिससे ये साबित होता है कि शाहजहां ने ताजमहल के ऊपर जो कुरान की आयतें लिखवाई थी, जिनको कार्व करवाया था, वो बाद में किया गया था ताकि वो एक इस्लामिक आर्किटेक्चर दिखे, इस्लामिक मॉन्यूमेंट दिखे। और ऐसा ही सेम काम ध्रुव स्तंभ यानी कि कुतुब मीनार में भी किया गया था। और ये चीज़ें तो कुतुब मीनार के पास जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है कि एक हिंदू मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुब मीनार पर मैंने जनवरी 2021 में वीडियो बनाया था, लेकिन वो जो वीडियो है अभी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है, और उसका जो बैकअप है वो भी मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पीसी के ऊपर रैनसमवेयर अटैक हुआ था, जिसके कारण वो जो पूरा फाइल है बैकअप का वो इनक्रिप्ट हो चुका है। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि वो जो वीडियो था उसको मैं वापस से बनाऊं और फिर से यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूं। जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो इतिहास में दबे कुछ ऐसे रहस्य बाहर आते हैं जिनके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नूरुल हसन इस्लामिक समय का एक बहुत ही ज्यादा फेमस ऑथर था, और उसने अपने एक किताब में लिखा था, मुमताज को दफनाने के लिए एक हिंदू मंदिर को हथियाया गया, जिसका मतलब है कि शाहजहां ने ताजमहल को नहीं बनाया और ताजमहल को सिर्फ कन्वर्ट किया गया इस्लामिक स्ट्रक्चर में, उसको मॉडिफाई करके। और यही सेम चीज ध्रुव स्तंभ के साथ भी हुआ था, जिसको बाद में कुतुब मीनार बना दिया गया। और ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था कि ताजमहल के किसी एक हिस्से को बनाने का खर्च पूरे ताजमहल को बनाने के खर्च से ज्यादा कैसे हो सकता है। ये तो तभी हो सकता है जब ताजमहल पहले से बना हुआ हो और बाद में उसमें मॉडिफिकेशन किया गया हो, जो कि ये था कि ताजमहल पहले से कंस्ट्रक्टेड था और उसके मचानों के ऊपर शाहजहां ने कुरान की आयतें लिखवाई ताकि वो एक इस्लामिक स्ट्रक्चर दिख सके। और मेरे पास फैक्ट्स हैं जो ये डिनोट करते हैं कि ये एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। हिटलर ने एक बहुत ही फेमस लाइन कहा था, अगर तुम झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। और ताजमहल के केस में भी यही हुआ, कुतुब मीनार के केस में भी यही हुआ था। ताजमहल में एक नौबत खाना भी है, नौबत खाना का मतलब होता है म्यूजिक रूम, और इस्लाम में म्यूजिक तो प्रोहिबिटेड है, और एक कब्र के बगल में म्यूजिक रूम का होना इस बात का कोई सेंस नहीं निकलता है। एक तो म्यूजिक इस्लाम में हराम है, ऊपर से कब्र के पास में म्यूजिक रूम होना। अगर आप अलग अलग मंदिरों में गए होगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे म्यूजिक रूम बनाए गए होते हैं ताकि वहाँ पे भजन कीर्तन आसानी से हो सके। वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है वो आवाज़ गूंजने वाला जैसा होता है। ये हमारे हर एक मंदिर में मिलता है। आप किसी भी एंशेंट हिंदू मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर ताजमहल का भी है। आप किसी कब्र के बगल में म्यूजिक रूम क्यों बनाओगे? वो इंसान वहाँ पे संगीत सुनने नहीं गया है, वो इंसान वहाँ पे रेस्ट करने गया है। शाहजहां और मुमताज की जो कब्र है वो 4th फ्लोर पे है, जो कि इस्लाम के अंदर हराम है। इस्लाम के अंदर जो कब्र बनाई जाती है वो जमीन के अंदर होती है, ना कि 4th फ्लोर के ऊपर। शाहजहां जो कि एक कट्टर इस्लामिक रूलर था, वो इतनी सारी गलतियां कैसे कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो तभी हो सकता है जब पहले से बने बनाए हुए मॉन्यूमेंट के अंदर उनको दफनाया जाए। ताजमहल का जो मेन टॉम्ब है उसके ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो वहाँ पे आपको कलश और नारियल का आकार दिखेगा। अब ये जो नारियल और कलश का सिंबल है, ये इस्लाम में कब से होने लगा? इस्लाम में तो चांद और स्टार का सिंबल होता है, तो ये नारियल और कलश कहाँ से आ गया, और वो भी टॉम्ब के टॉप पे? इस तरीके के जो आकार होते हैं वो तो हमारे हिंदू मंदिरों में हुआ करते हैं। तो
तो फिर ये ताजमहल के ऊपर में क्या कर रहा है? ताजमहल की जो प्रेमिसेस है उसके कॉरिडोर्स को अगर चेक किया जाए तो वहाँ पे जो कॉरिडोर्स आपको बने हुए दिख रहा है ये वैदिक स्टाइल कॉरिडोर्स है जो कि एंशेंट हिंदू टेम्पल्स में हुआ करते हैं। अगर ताजमहल के एंट्रेंस को सही से चेक किया जाए तो वहाँ पे आपको लोटस का सिंबल मिलेगा। लोटस का जो सिंबल है उसके साथ साथ हर जगह पे आपको फ्लोरल डिजाइन देखने को मिलेंगे, और ये जो फ्लोरल डिजाइन है यहाँ पे आपको सर्प का आकार भी बना हुआ दिखेगा। अब ये तो हमारे शिव जी के टेम्पल में हुआ करता है, और ये सब तो इस्लाम के अंदर हराम है। एंट्रेंस पे लोटस का सिंबल होना, हर जगह पे फ्लोरल डिजाइन होना, सर्प का आकार होना, ये सब किसी के कब्र में कब से होने लगा? ये सब के सब एक एक चीज इस्लाम के अंदर हराम है, प्रोहिबिटेड है। फिर ये ताजमहल में कैसे उपलब्ध है? अगर ताजमहल के आप चक्कर लगाओगे तो हर तरफ आपको हाथी के आकार देखने को मिलेंगे जो कि गणेश जी की मूर्ति है। आपने भी देखा होगा कि हमारे जो हिंदू मंदिर होते हैं उनके एंट्रेंस पे गणेश जी का जो आकार होता है वो बनाया जाता है। ताजमहल के अंदर और भी जो कार्विंग किए हुए हैं उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो वहाँ पे धतूरे का फूल दिखाई देता है जो कि ओम का आकार बनाता है। धतूरे का जो फूल होता है वो तो शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, शिव जी के मंदिर में होता है। तो फिर ये एक कब्र में क्या कर रहा है? और ये ओम तो हिंदुइज्म का सिंबल है, तो ये इस्लाम में कब से कार्व किया जाने लगा? इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स में ये कब से कार्व किया जाने लगा? और वो भी कट्टर इस्लामिक रूलर शाहजहां के बीवी के मकबरे के इंट्रेंस पे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? और आयरनी तो तब हो जाती है जब इन सब चीज़ों को जस्टिफाई भी किया जाता है। ताजमहल की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे अलग से मेंशन किया हुआ है कि ये जो ताजमहल है इसके अंदर बहुत सारे हिंदू सिंबल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो ताजमहल बनाया गया था वो हिंदू वर्कर्स ने बनाया था, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे हिंदू सिंबल्स दिखते हैं। अरे ऐसा कैसे? इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडिया के अंदर जितने भी मस्जिद बनाए गए हैं और उसमें अगर कंस्ट्रक्शन करने वाले हिंदू थे तो सब जगह पे ओम लिख देना चाहिए था, हर जगह पे स्वास्तिक बना देना चाहिए था, हर जगह पे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ बना देनी चाहिए थी, है ना? और शाहजहाँ जो कि एक कट्टर इस्लामिक रूलर था उसने इन वर्कर्स को फ्री हैंड भी दे दिया कि तुम्हें जो मर्जी आए, जो सिंबल आए वो तुम बना दो। ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहाँ को सेक्युलरिज्म का सीईओ बनना था, इसलिए उसने अपने हिंदू वर्कर्स को कहा कि इस ताजमहल पे तुम्हें जो आकार मिले वो बना दो, जो डिज़ाइन मन करे वो बना दो। तो उन लोगों ने ओम बना दिया, गणेश जी की मूर्ति बना दी, सांप बना दिया, धतूरे का फूल बना दिया। ट्रांजैक्शन सोसाइटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ आगरा में लिखा हुआ है कि शाहजहाँ सबसे ज़्यादा क्रूअल इस्लामिक रूलर था। वो इतना ज़्यादा क्रूअल था कि जितने भी हिंदू साधु होते हैं उनको अपने दरबार में बुलाता था और अपने दरबार में बुला के उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स करता था, और जो लोग कन्वर्ट नहीं होते थे वो उनके हाथ पैर को कुचलवा देता था, कटवा देता था। शाहजहाँ तो इतना ज़्यादा क्रूअल था कि उसने अपने बेटी को शादी नहीं करने दिया और अपनी बेटी का ही इस्तेमाल अपने लस्ट को पूरा करने के लिए करता था। अगर इस ताजमहल को यमुना रिवर की तरफ से देखा जाए तो क्लियरली देखा जा सकता है कि ताजमहल और ताजमहल के बगल वाले जो बिल्डिंग्स हैं उनके टॉम्ब व्हाइट मार्बल्स बनाए गए और बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। देखने से ही ऐसा पता चलता है कि ये जो पूरा का पूरा ताजमहल का बिल्डिंग है इसको व्हाइट मार्बल से ट्राई किया गया मॉडिफाई करने का। ताजमहल के अगर नीचे वाले हिस्से को देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक डोर दिखेगा, और इस डोर को बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया था। वो क्यों किया था आपको पता है? क्योंकि 1974 में एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट मार्वल मिंस आए थे, और वो जब इंडिया आए तो उन्होंने इसका एक फोटो लिया, और फोटो लेने के बाद उस दरवाजे का एक छोटा सा टुकड़ा लेके गए, उसकी जो कार्बन डेटिंग थी वो चेक किया गया। वो जो कार्बन डेटिंग था वो ताजमहल का जो बनाया गया था उससे भी पहले का था। अब ये तो कोई भी समझ सकता है कि उस दरवाजे का जो कार्बन डेटिंग है वो ताजमहल के बनने के कई सौ साल पहले का है, तो फिर ताजमहल को शाहजहाँ ने कैसे बनाया? अगर मैं ये कहूँ कि शाहजहाँ ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैंने ताजमहल को बनाया था, तो क्या आप मेरा विश्वास करोगे? ये चीज़ मैं आपको आगे डिटेल में समझाता हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस गेट को कंक्रीट और ब्रिक से ढक दिया ताकि इसके बारे में और भी किसी को पता ना लग सके, और बाकी के जितने भी गेट थे उन सबको बंद कर दिया गया, सबको कंक्रीट और ब्रिक से ढक दिया गया। अगर ताजमहल का जो एरियल व्यू है वो निकाला जाए तो इसमें साफ पता चलता है कि जो ताजमहल है वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, और बाद में इसको व्हाइट मार्बल से मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है। आसपास के जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी आप देख सकते हो, वो सब के सब रेड सैंडस्टोन से बने हैं, और उनके जो टॉम्ब है वो व्हाइट मार्बल से बनाया गया ताकि ये सभी के सभी एक ही समय के बनाए हुए दिखे। ताजमहल के जो पिलर्स हैं उनके कुछ फोटोज इंटरनेट पर वायरल हुए थे, उन फोटोज में आप देख सकते हो कि ये अष्टकोण स्तंभ है, और ये जो अष्टकोण स्तंभ है ये हिंदू आर्किटेक्चर में होते हैं, ये हमारे जो मंदिर होते हैं उनमें होते हैं, और ये जो अष्टकोण स्तंभ है ये ताजमहल के बाकी के जो पार्ट है उनमें भी दिखाई पड़ता है। तो फिर ये एक इस्लामिक स्ट्रक्चर में कैसे पहुंच गया? ताजमहल के प्रेमिसेस में एक गौशाला भी है। कोई किसी मकबरे में गौशाला क्यों बनाएगा? गौशाला तो हमारे मंदिरों में हुआ करता है। ताजमहल का जो मैप है उसका एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दिखाता हूँ। ताजमहल के इस मैप में आप देख सकते हो कि ये जो पूरा मैप है ये बनाया गया था मंदिर के लिए। इसका जो वास्तु है वो मंदिर के हिसाब से ही बनाया गया है, मंदिर के लिए ही परफेक्ट है। इसके बिल्डिंग अष्टकोणीय है और 7 मंजिला है। दो सेम दिखने वाले बिल्डिंग्स बनाए गए हैं जो कि 7 मंजिला है। अष्टकोणीय बिल्डिंग, 7 फ्लोर होना, ये सब रामायण की अयोध्या की याद दिलाता है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा, और ये जो बादशाहनामा है वो शाहजहाँ के रूलिंग पीरियड के ऊपर लिखा गया है, और इसको लिखने के लिए खुद शाहजहाँ ने अब्दुल हामिद लाहौरी को पटना से बुलाया था। और अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखी गई इस बादशाहनामा में आप पढ़ सकते हैं
यहाँ पे लिखा हुआ है, महान नगर के दक्षिण में भव्य सुंदर हरित उद्यान से घिरा हुआ जिसका केंद्रीय भवन जो राजा मान सिंह के प्रासाद के नाम से जाना जाता था, अब राजा जय सिंह जो कि मान सिंह का पौत्र था के अधिकार में था। बेगम को दफनाने के लिए जो स्वर्ग जा चुकी थी चुना गया। हिंदी में प्रासाद का मतलब होता है देव मंदिर या देवालय, मतलब कि मुमताज को दफनाने के लिए राजा मान सिंह ने जो मंदिर बनवाया था जिसका के कंट्रोल फिलहाल राजा जय सिंह के पास है उसको चुना गया। और अगर आप बीकानेर के डॉक्यूमेंट्स को खंगालते हैं तो वहां पर भी इन सब के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। ये सब स्पष्ट रूप से क्लियरली कहां पे लिखा हुआ है, बादशाहनामा में। और बादशाहनामा को लिखवाने वाला कोई और नहीं, खुद शाहजहां था। और इन डॉक्यूमेंट्स का कुछ पार्ट जयपुर के जो रॉयल फैमिली के दिया कुमारी जी है उनके पास भी अवेलेबल है, उन्होंने प्रेस को बताया भी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजा जय सिंह ने खुद इसको शाहजहां को दिया या फिर शाहजहां ने ये जय सिंह से छीन लिया। इसी बादशाहनामे में आगे बताया जाता है कि उस देव महल में एक बहुत बड़ा सा गुंबद है जिसके नीचे मुमताज को दफनाया गया शाहजहां के आदेश अनुसार। शाहजहां ने ये जो पैसे खर्च किए तेजो महालय के मॉडिफिकेशन में उसे ताजमहल बनाने के लिए, इन सबसे औरंगजेब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। और ऐसा नहीं था कि शाहजहां ने ये पहली बार किया था, शाहजहां ने कई बार बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स थे जिन पे खर्च करके उसको इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया। और इसी कारण से औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को ही बंदी बना लिया ताकि वो ये जो फिजूल की खर्चे हैं वो ना कर पाए। कई सारे फैक्ट्स और भी अवेलेबल हैं लेकिन उन सब को एक ही वीडियो के अंदर कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इतने सालों से हमसे सच छिपाया गया और ऐसा नहीं कि ताजमहल एक पहला ऐसा मॉन्यूमेंट है। इतने सारे जो हमारे मंदिर थे, हमारे मॉन्यूमेंट थे, उन सबको ऐसे ही मॉडिफाई करके अपना नाम दिया गया। जैसे बाबरी मस्जिद को किया गया, ज्ञान वापी मॉस्क जिसका अभी चल रहा है कोर्ट में केस, फिर चाहे आप ध्रुव स्तंभ और कुतुब मीनार की बात कर लो, ऐसे न जाने कितने सारे हमारे बिल्डिंग्स, न जाने कितने सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स थे, मंदिर थे जिनको कि इस्लामिक रूलर्स ने मॉडिफाई करके इस्लामिक स्ट्रक्चर का रूप दे दिया। और जिनको वो लोग मॉडिफाई ना कर सके उनको उन लोगों ने तोड़ दिया। फॉर एग्जांपल कश्मीर का मारतंड सन टेम्पल या फिर अयोध्या का मंदिर। तो इस तरीके से भारत के अंदर उन्होंने इस्लाम का विस्तार किया। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और उनके आंसर्स भी दूंगा। इतने प्रूफ से हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, तो इसका जवाब ये है कि अभी तक इन चीज़ों को खोजा ही नहीं गया है। इतने सारे कमरे जो ताजमहल के अंदर बंद है, इतने सारे जो बेसमेंट जिनको कंक्रीट से बंद कर दिया गया है, जब तक उनका सर्वे नहीं होगा तब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी, क्योंकि अभी तक तो कुछ खोजा ही नहीं गया है। ये तो हम लोग सिर्फ बाहर से चीज़ों को जो देख पा रहे हैं उनके बेसिस पे आपको फैक्ट दिखा रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये आ रहा होगा कि जब शाहजहां ने इस मंदिर को मकबरे में तब्दील किया तो उसने बाकी सारे जो सिंबल्स थे हिंदू के वो क्यों नहीं हटाए, जो गणेश जी का सिंबल था, जो टॉम्ब के ऊपर कलश का सिंबल है, वो सब क्यों नहीं हटाया। इसका आंसर यह है कि शाहजहां ने कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसने ताजमहल बनाया है। उसने खुद अपने बादशाहनामे में लिखवाया कि मैंने ये जो देवालय लिया था वो लिया था राजा जय सिंह से, जो कि राजा मान सिंह का हुआ करता था। जब शाहजहां ने ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसने ताजमहल को बनाया है, तो ये अफवाह किसने फैलाया कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया है। ये अफवाह फैलाया गया था शाहजहां के सैनिकों के द्वारा ताकि शाहजहां ने जितने भी कुकर्म किए हैं उन सबको ढका जाए और शाहजहां को ऐसा दिखाया जाए कि वो एक बहुत बड़ा प्रेमी था, अपने बीबी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और उसकी याद में उसने ताजमहल बनाया। आप खुद सोचकर देखिए, अगर दुनिया को ये पता चलता कि शाहजहां अपनी बेटी को यूज करता था अपने लस्ट को पूरा करने के लिए, तो क्या सोचेगी दुनिया उनके बारे में। और इन्हीं सब चीज़ों को छिपाने के लिए ये सब अफवाह फैलाया गया कि शाहजहां एक बहुत बड़ा प्रेमी था, अपने प्रेम का याद में उसने इतना सुंदर मॉन्यूमेंट बना दिया जो कि 7 वंडर्स में से एक है। अगर आप लोग हमें ऐसे ही रिसर्च करने में मदद करना चाहते हो तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, जो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे।